Hey makeup lovers, I'm Sonali. Welcome back to my channel. So friends, आज की जो वीडियो है वो है teenage girl makeup tutorial. तो ये जो makeup tutorial है ये useful हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि everyday kind of makeup look करना चाहते हैं like teenagers, college going girl और office going girl. तो इसमें क्योंकि मैंने बहुत ही कम product use किया तो आप इसे quickly everyday कर सकते हैं, कम समय में भी आप इसे achieve कर सकते हैं. तो friends, अगर ये video पसंद आया तो like और share जरूर कीजिएगा. चलिए video को start करते हैं. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉर सनस्क्रीन. मैं ज़रूर 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 समर एसेंशियल है तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए. ये अरोमा मैजिक का है और आप देख सकते हैं कि ये जेल बेस है. तो इसकी फ़ायदा ये हो जाता है कि ये आपको एक एलोवेरा जेल की तरह काम करेगा क्योंकि ये सनस्क्रीन है तो आपको सन से प्रोटेक्शन देगा ही, साथ साथ आपके मेकअप को बिल्कुल एज अ प्राइमर चिपका के रखेगा और लॉन्ग लास्ट होने के लिए हेल्प करेगा और आपके फेस को बिल्कुल मैट कर देगा. तो ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है. नेक्स्ट फॉर माई बेस मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ गार्नियर बीबी क्रीम और मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है गाइज, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी है. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये गार्नियर वाला बीबी क्रीम बिकॉज मेरी स्किन जो है वो कभी ड्राई हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है. तो ये जो है ये ड्राई स्किन के लिए भी सूटेबल है और ये ऑयली स्किन के लिए भी, इनफैक्ट ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है बिकॉज ये बहुत ही आराम से ब्लेंड हो जाता है और कवरेज के लिए तो मैं बोलूँगी पॉन्ड्स की तरह बहुत हाई कवरेज नहीं देता लेकिन अच्छी खासी कवरेज दे देता है जितना हमें डेली बेसिस के लिए चाहिए होता है. और क्योंकि ये टीनेज गर्ल मेकअप लुक है तो इसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक फुल बेस मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, जस्ट हल्का फुल्का करना चाहती हूँ. और मैं इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ टू कंसील माई डार्क सर्कल्स. बहुत तो नहीं फिर भी कुछ हद तक तो कवर कर ही दिया है. तो समर्स है इसलिए अपने फाउंडेशन या फिर अपने बीबी क्रीम को सेट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेट करने के लिए यूज़ किया है ये ब्लू हेवन का UHD बी माई सेल्फ कॉम्पैक्ट और इसमें मेरा शेड है 04. बहुत ही परफेक्ट कॉम्पैक्ट है ये. इसका जो टेक्सचर है वो इन बिटवीन है ट्रांसल्यूशन और कॉम्पैक्ट के, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है ये, कंप्रेस्ड पाउडर नहीं है ये थोड़ा सा लूज़ भी है तो आपके ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट हो जाता है और आपको बिल्कुल मैटिफाई स्किन देता है फॉर लॉन्ग टाइम. तो समर के लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट फॉर माई आईब्राउ पेंसिल आई एम यूजिंग दिस ADS आईब्राउ पेंसिल. तो पहले स्पूली की हेल्प से ब्रश कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारे हेयर्स एक लाइन में आ जाएं. देन आप इसे सिंपली वेरी वेरी लाइट हैंड अप्लाई कीजिए और मेरा आईब्राउ का कलर है ग्रेश ब्लैक इसलिए इसका जो कलर है बिल्कुल मेरे परफेक्टली जाता है और जस्ट मेरे नेचुरल हेयर लाइन है उसी में मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा मेकआउट नहीं कर रही हूँ. एंड देन आप सब कुछ अच्छे से स्पूली की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए. यह स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको डिफरेंस भी दिखेगा. फॉर माई ब्लश मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ ग्लैम 21 ब्लश पैलेट है ये, बहुत ही अच्छा है और इसमें से मैं ये पिंक टाइप का पॉप पिंक टाइप का कलर चूज़ कर रही हूँ लाइक लाइट पिंक और इसे हाईएस्ट अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी इन अपवर्ड मोशन, इससे आपकी चीक्स लिफ्टेड लगेंगी और बहुत ही अच्छा स्किन लगेगा. तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको स्माइल करते हुए लगाना बिकॉज आप हैप्पी रहेंगे तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे इवन विदाउट मेकअप. और सेम मैं ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ यहाँ पे आई मेकअप के लिए सॉरी. तो मैं यहाँ पे ये ब्रॉन्जर कलर ले रही हूँ और सिर्फ इसे मैं अपनी आई लिड्स पर अप्लाई करूँगी. तो क्योंकि ये टीनेज गर्ल मेकअप लुक है तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल येट क्लासी और क्यूट रखना चाहती थी इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल आई शेडो रखा है, पर ये बहुत ही अच्छा लगेगा. ये ब्रॉन्जी टाइप का ब्राउन कलर है तो आपके आईलिड्स पर बहुत ही अच्छा लगता है. देन मैं ये NYB का काजल यूज़ कर रही हूँ और ये है सिर्फ 75 रुपीज़ का. यस गाइज, 200 रुपये की आई पेंसिल आई काजल्स को ये टक्कर दे सकती है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैट है बिल्कुल, तो समर के लिए आपको बार बार टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और मैं सेम कंपनी यानी कि NYB का ही आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. अगेन ये 75 रुपीज़ का है और बिल्कुल मैट आईलाइनर है और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है तो आपकी आईज़ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. और इसे सिंपली अपने क्लोज टू माई अपर लैश लाइन अप्लाई करूँगी लाइक सिंपल आईलाइनर जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं वही करना है आपको.
इससे आप देख रहे हैं मेरी आईज़ का शेप भी बहुत अच्छा हो गया है। देन मैं वेगा का आईलैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट टूल है, तो इससे कर्ल करूँगी एंड देन मैं अपना मस्कारा अप्लाई करूँगी लाइक मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। तो ये स्टेप करने के बाद यानी कि कर्लिंग करने के बाद जब मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो मेरी आईज़ को बिल्कुल एक अच्छा डेफिनेशन मिल जाता है और मुझे ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में करती ही हूँ। देन मैंने लिप बाम अप्लाई किया हुआ था तो एक्सेस को वाइप ऑफ कर रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ ये किस ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 06 और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मैट ब्राउन न्यूट कलर है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, एवरीडे के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमेशा की तरह अपने कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।